Morning, I'm Vipin Thakur. I'm continuing my industrial sector series. I'm explaining industrial sectors, all the industrial sectors in Greater Noida and Yamuna Expressway. मेरी ये सीरीज़ कंटिन्यू है. आज मैं नया सेक्टर आपके सामने लाया हूँ. मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके एप्रिशिएशन, प्राइस एप्रिशिएशन लास्ट 2 to 3 ईयर्स में कितने हुए. सेक्टर का नाम है इकोटेक 6. इकोटेक 6 वेरी मच नियर टू परीचौक सेक्टर है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है. सेक्टर की रोड्स बहुत चौड़ी हैं, 24 मीटर की रोड है सेक्टर के अंदर, कोई भी छोटी रोड इसके अंदर नहीं है. मेन रोड पे है ये परीचौक से, जैसे कासना टुवर्ड्स कासना आप आते हैं और आगे पेरिफेरल को ये कनेक्ट करती है रोड, उसी रोड पे सेक्टर है. तो ये सेक्टर का मैप है. एक्चुअली सेक्टर के मैप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार इसके कनेक्टिविटी मास्टर प्लान के अंदर बताता हूँ. मास्टर प्लान के अंदर जो इसकी लोकेशन है सेक्टर की, हम देखेंगे कैसे हम वहाँ पे रीच हमारी कैसे होने वाली है. अगर हम दिल्ली से आते हैं तो हम सेक्टर में कैसे पहुँचेंगे, वो सारा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. देखिए, ये रोड फ्रॉम दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है. हम दिल्ली की तरफ से आते हैं और इस एक्सप्रेसवे के अलोंग जब हम आते हैं तो ये एंड होता है परीचौक पे. ये पॉइंट परीचौक है. परीचौक पे पहुंच के हमें राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स दिस साइड, और राइट टर्न के लेने के बाद में हमारा पहला सेक्टर साइट 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर पड़ता है, हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर. और इसके आगे ये रोड कासना की तरफ जाता है, जहां पे साइट 5 सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर पड़ता है राइट साइड में, जिसमें एशियन पेंट कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल है. और इसके राइट साइड में इकोटेक 1 एक्सटेंशन सेक्टर पड़ता है, और साइट 5 से जुड़ा हुआ इकोटेक 6 सेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये लोकेशन है. ये रोड से होते हुए साइट 5 को क्रॉस करके सी के एडजेसेंट इकोटेक 6 सेक्टर है, और ये रोड आगे जाके पेरिफेरल पे कनेक्ट हो जाती है. ये आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है. तो अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ इकोटेक 6 की परीचौक से, तो परीचौक से इसका डिस्टेंस हार्डली 3 से 4 किलोमीटर हार्डली डिस्टेंस पड़ता है. और इस सेक्टर से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. तो सेक्टर बहुत अच्छी लोकेशन पे है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सेक्टर ऑक्यूपाइड है चारों तरफ से. और इसी सेक्टर के पास में यहाँ पे ओप्पो का एक प्लांट है जो कि ऑपरेशनल है, ओप्पो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ये 2100 एकड़ में प्लांट है, और इसी के पास में प्रिया गोल्ड कंपनी है जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है. एशियन पेंट साइट 5 में ऑपरेशनल है इसी के एडजेसेंट, और इसी के सामने जो है इकोटेक 1 एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कंपनियाँ ऑपरेशनल हैं. जैपनीज कोरियन कंपनी भी यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं. तो सेक्टर की लोकेशन बहुत प्राइम है. अगर मैं मेट्रो की बात करूँ तो मेट्रो इसके नियरेस्ट पड़ेगा परीचौक मेट्रो स्टेशन, जिसका डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर मुश्किल से है. तो सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो हाईवेज और मेट्रो से कनेक्टिविटी नियरेस्ट है. अगर मैं बात करूं 2 एक्सप्रेसवे की, नोएडा एक्सप्रेसवे 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 3 से 4 किलोमीटर. और अगर मैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करता हूं तो ये जो डिस्टेंस है इसका, ये हार्डली 2 किलोमीटर. और तीसरा है ताज एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है सेक्टर से. अगर हम देखें तो हार्डली 4 किलोमीटर्स, 4 to 5 किलोमीटर्स. ये तीसरा एक्सप्रेसवे है जो कि इसके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है. तीनों एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, और उसके बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे यहाँ पे कनेक्टेड है. और इसके साथ एक और आपका 130 मीटर जो हाईवे है नोएडा एक्सटेंशन से जो आ रहा है रोड, वो भी इसके हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्रॉस करता है. तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. अब इसीलिए इसके इसके प्राइस एप्रिशिएशन भी बहुत अच्छे हुए इनफैक्ट. और एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसी सेक्टर पर ये जो परीचौक है ये सूरजपुर कासना रोड कहलाती है, और ये होते हुए यहाँ पे जाएगी और ये इधर से आती है आपकी सूरजपुर साइड से, यहाँ पे एलजी चौक, सूरजपुर और नोएडा.
तो यहाँ से ये जो कनेक्टिविटी है, इस रोड की कनेक्टिविटी, इवन नोएडा एक्सटेंशन को ये निकल जाती है रोड, तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी आएगी इसी रोड के अलोंग, जो कि अप्रूव्ड हो चुकी है DPR, रैपिड रेल RRTS, हाई स्पीड ट्रेन, ये कनेक्ट हो रही है, इसी रोड के अलोंग जा रही है, इस सेक्टर के सामने से जाने वाली है। इसलिए फ्यूचर के अंदर इस सेक्टर के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, तो और लास्ट 2-3 ईयर्स में जो प्राइस है वो भी मोर देन 50% प्राइस एप्रिसिएशन आया है यहाँ पे। और इसके आने के बाद अभी जो कि अभी अपकमिंग है RRTS, जो कि आपके साउथ गाजियाबाद से कनेक्ट होके परीचौक से आके और इसी सेक्टर के सामने से क्रॉस करके टुवर्ड्स जेवर एयरपोर्ट को ये कनेक्ट करने वाली है। तो इस RRTS की वजह से अगेन इसके प्राइस एप्रिसिएशन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, ये आप प्लान कर सकते हैं। लीजिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे चलता है, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे खाली नहीं है आज की डेट में। तो यहाँ पे आप प्लान आउट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इस मास्टर प्लान के बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा मैप पे सेक्टर के अंदर प्लॉट साइजेस, रोड्स और उसकी बाकी डिटेल्स। देखिए सेक्टर का कंप्लीट मैप है। इस सेक्टर में जो ये रोड है, ये वाली रोड जो आ रही है, ये कासना की तरफ से रोड आ रही है, सूरजपुर कासना रोड, और ये आगे चली जाती है जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जो ये आगे कनेक्ट हो जाती है रोड। इसका डिस्टेंस हार्डली 2 किलोमीटर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, और यहाँ से परीचौक का डिस्टेंस हार्डली 3-4 किलोमीटर्स के बीच में पड़ता है, वेरी मच नियर। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन परीचौक पड़ेगा, जो कि 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जो रोड है, ये रोड बहुत चौड़ी रोड है। एशियन पेंट कंपनी भी यहीं पे है, साइट 5 सेक्टर के अंदर, और इसके पास में ओप्पो का प्लांट है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ओप्पो का प्लांट यहाँ पे इस तरह से लोकेशन पे यहाँ पे कहीं पे आता है, जो कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रिया गोल्ड यहाँ पे आती है, प्रिया गोल्ड कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑलरेडी चल रहा है, और एशियन पेंट आपके यहाँ पे आती है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना प्लांट है जो साइट 5 में पड़ता है। तो बड़े बड़े प्लांट्स इसके चारों तरफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, रनिंग है, जो कि बहुत अच्छा एक साइन है यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के लिए भी। इसी रोड पे RRTS आने वाली है, जो मैंने आपको बताया था, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड ट्रेन, जो कि साउथ गाजियाबाद से कनेक्ट होके इस सेक्टर के सामने से होते हुए जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली है। तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर USP है, फ्यूचर अपकमिंग RRTS। तो यहाँ पे ये पूरा मैप है, इस मैप पे आप देखेंगे जो प्लॉट्स हैं इसके बेसिकली जो प्लॉट्स हैं वो दो साइज में है मेजरली। एक है 450 स्क्वायर मीटर और नंबर दो 1000 स्क्वायर मीटर। तो ये वाले जो प्लॉट साइज हैं, ये 15x30 इस तरह से ये विड्थ और ये प्लॉट की लेंथ इस साइज में अवेलेबल है। तो ये जो मेजर प्लॉट्स हैं इसके, ये सारे 450 के प्लॉट्स हैं। आप देख रहे होंगे ये जितने प्लॉट्स हैं ये सब 450 वाले प्लॉट्स हैं, 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे जो 1000 मीटर के प्लॉट्स हैं अभी अलॉटेड हैं, नए वाले मैप में आपको दिखेंगे, वो इस रीजन में हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो प्लॉट्स हैं वो दो साइज में अवेलेबल हैं। और एक इसका मेन इम्पोर्टेंट, इस सेक्टर को जो सबसे अलग करता है, इसको जो इसका एक USP कह सकते हैं, या फ्यूचर में प्लान प्राइस एप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा पैरामीटर कह सकते हैं, इसकी जो रोड्स हैं सारी रोड 24 मीटर की हैं। आप जो भी रोड्स इसमें देखेंगे सिर्फ 24 मीटर की रोड देखेंगे, कोई भी छोटी रोड है ही नहीं, एक सिंगल साइज 24 मीटर रोड है। और उधर से ये RRTS को कनेक्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं बड़े बड़े,
इसके चारों तरफ ऑलरेडी चल रहे हैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तीन तीन एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है ऑलरेडी इसमें। तो इसमें आप फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉपर्टी के लिए, और इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन बहुत हाई स्पीड से चल रहा है। शेड्स आरसीसी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है, लीजिंग की बहुत हाई डिमांड है सेक्टर के अंदर लीजिंग, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत पास है, मेट्रो के पास में है, तो लीजिंग की यहाँ पे हमेशा डिमांड रहती है। तो यहाँ पे आप अच्छा प्लान आउट करते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट टू बाय और टू टेक ऑन लीज द प्रॉपर्टीज ऑन माई नंबर, ऑन आवर चैनल नंबर, वी कैन हेल्प यू आउट, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं अपनी सारी सीरीज लेके आऊँगा, एक एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की सीरीज लेके आऊँगा। आज मैंने ये वाला सेक्टर आपको कवर किया है, मेरे अगले वीडियो में मैं अगला इंडस्ट्रियल सेक्टर लूँगा ग्रेटर नोएडा का, और यमुना एक्सप्रेसवे के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको मैं कवर करूँगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।